हाँ बोल सर, वो बात हुआ था पकिया भाई के रेफरेंस से। हाजिर बैठ। ये पैसे और फोटो। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ बोल। ये मर्डर ऐसा होना चाहिए कि एक्सीडेंट लगे। हाँ ठीक है, हो जाएगा। ए रुक। जो पागल समझाए क्या मुझको? हाँ, अपनी फोटो दिखाकर अपना ही सुपारी दे रहा है। पागल हो गया है तू? सर फोटो मेरी हो या किसी और की, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको जो पैसे चाहिए थे वो मैंने दिए ना। फर्क तो नहीं पड़ता। एक बार कान को कसो, एक बार सुपारी ले ली तो वापस नहीं होगी, समझा? मुझे वापस चलिए नहीं, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि मर्डर एक्सीडेंट है। एक बार सुपारी ले ली ना तो काम होना ही चाहिए, समझा? चल। साला जिंदगी में पहली बार अपन ने ऐसा आदमी देखा जो अपनी ही सुपारी इतने कॉन्फिडेंस से देने आया था। मौत का उसकी आंखों में डर ही नहीं था। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, वो नेहा कहाँ है? नेहा कॉलेज गई है। आरव? आरव अभी अभी गार्डन में खेलने गया है। कुछ नहीं, शायद भयानक सपना था। सो जाओ। अब मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, फिर आपको अच्छा लगेगा। ये लीजिए पानी पीजिए, अच्छा लगेगा आपको। अब ठीक लग रहा है ना? अब आप सो जाइए। चलिए आप सो जाइए, सपना था, सो जाइए। Thank you.
हाँ बोल, क्या बोलना था सर? वो जो सुपारी दी थी वो वापस। ए पागल हो गया क्या तू? हाँ, बनिया का दुकान समझ के रखा है क्या? जब मन चाहा चला आया, जब मन चाहा चला गया। बोला था ना मैंने सोच ले, उसी दिन बोला था मैंने सोच ले। अपना है ना, मार्केट में वैल्यू है जबान का। एक बार अगर विंडो खुल गया ना तो टिकट कटना कन्फर्म है, और तेरा टिकट कट चुका है। चल निकल, चल निकल। समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोला ना तुझे, निकल। जितनी जिंदगी बची है ना तेरी, घर बैठ के आराम से एकदम मस्त मस्त तरीके से गुजार। चल जा, वापस लेने आया है। ए, ये क्या है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या है, क्या ये? ये इंश्योरेंस का पेपर है। मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराया। अरे, एक्सीडेंटल मौत के बाद मुझे 2 करोड़ मिलेगा। अबे कैसा बेड़ा इंसान है रे तू? हाँ, अरे अगर तू मर जाएगा तो इसका क्या अच्छा डालेगा क्या पैसे का? हाँ, ये मैंने अपने लिए नहीं किया, ये मेरी बेटी के लिए और मेरी फैमिली के लिए किया। इस इंश्योरेंस से जो पैसा आएगा उससे मेरी बेटी का एडमिशन हो जाएगा। मेरी बेटी ने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया, उसने अपने सपनों की पहली सीढ़ी पार की, और उसके एडमिशन के लिए जब मेडिकल कॉलेज गए तो वहाँ कॉलेज ने
45 लाख रुपए का डिमांड किया। 45 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत गिड़गिड़ाया उनके सामने, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से इतना पैसे ला सकती? मेरे सामने मेरी बेटी के सपने टूटते हुए दिखे मुझे, मुझसे रहा नहीं गया साहब। तो मैं जाके इंश्योरेंस कराया, कम से कम मैं जीते जी उनको जो नहीं दे सका, मरने के बाद तो दे सकता हूँ। लेकिन कल रात को मैंने देखा कि मेरे मरने के बाद सब अनाथ हो गए। तभी मैंने सोच लिया कि मैं मर कर नहीं, जी कर लड़ूंगा उनके लिए, और फिर आपके पास आ गए सुपारी वापस करने। रुक, कमाल का इंसान है तू भाई। सुन, सुपारी के पैसे वापस ला के दो। इतनी हिम्मत कहां से लाए हो यार तुम? हाँ, ये लो शिवेंद्र भाई, तुम्हारे सुपारी के पैसे। और सुनो, कुछ नहीं होगा तुम्हें और ना ही तुम्हारी फैमिली को। खुशी से जिंदगी गुजार, कुछ नहीं होगा तुझे।